साहिबा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम और टिकटॉक और ये जो सारी चीजें हैं, इन पे फॉलोअर्स होना कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्यों? मैंने सुना है कि यार एक्ट्रेस को भी इस बेसिस पे चूज किया जाता है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं। ये सच है बात? अच्छा, जिन एक्ट्रेस का हो चुका है ना, वो रजिस्टर हो चुके हैं, तो मुझे लगता है उनसे इतना फर्क नहीं पड़ता। मगर जो अब नए एक्ट्रेस हैं, जैसे आपने देखा होगा कितने सारे टिकटॉकर्स अब वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ड्रामास कर रहे हैं, तो मैंने खुद ये चीज़ फेस की। अच्छा, कितने फॉलोअर्स हैं? अच्छा, इतने इतने फॉलोअर्स हैं। ओके, ठीक है, तो कमर्शियल दे दो, फिर पोस्टिंग भी कर देगी। अच्छा, अब ये कमर्शियल की डील होती है कि इतना इतने अमाउंट में आपने इंस्टा पे पोस्ट भी करना है। अच्छा, इतने फॉलोअर्स हैं तो इतना अमाउंट, अच्छा इतने ज़्यादा हैं तो इतना ज़्यादा अमाउंट। तो कमर्शियल्स तो अब यही हो गया है कि आपको जो है ना इतने फॉलोअर्स पे उतना बड़ा ब्रांड मिलेगा। तो आपके इंस्टाग्राम पे कोई 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑलमोस्ट? हाँ जी, ऑलमोस्ट। और टिकटॉक 3 पॉइंट कुछ हैं। टिकटॉक पे 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स? हाँ जी भाई, तालियां हो यार। टोटल हो गए कुछ 4-5 मिलियन के करीब आपके फॉलोअर्स हैं जी। 50 लाख बंदा आपको फॉलो करता है, उस 50 लाख बंदा क्या सीख रहा है लाइबा को फॉलो करके? अच्छा, मुझे मैं इंस्टा पे और टिकटॉक पे ऐसे कुछ कंटेंट्स लगाती नहीं हूँ, तो मेरी जो डेली लाइफ की चीज़ें होती है मैं वही पोस्ट करती हूँ। वही आप BTS लगा रही? हाँ, BTS में लगा रही होती हूँ ज़्यादातर। मुझे ये होता है कि यार जो मेरे फैंस हैं ना, उनको BTS देखने का बड़ा शौक होता है कि ड्रामे के पीछे क्या चल रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 50 लाख लोग आपको BTS देखना चाहते हैं कि क्या आप कर रही हैं? मैं 50 लाख नहीं, उनमें से कुछ लाख तो लोग होंगे ना देखना चाह रहे, कुछ लाख मुझे पसंद करते हैं इसलिए मुझे देखना चाहते हैं। अरे वाह।